हम सभी जो है यामा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए यामा ने जो अब जो है R15 का ये V4 मॉडल उतारा है, इसी के बारे में बात करने हैं, क्योंकि इसमें जो चेंजेस आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं। मैकेनिकल चेंजेस नहीं हैं, लेकिन मेजर चेंजेस आए हैं जो कि एक्चुअल में नोटिस करने वाले हैं, और वो चेंजेस ऐसे हैं जो कि और भी मोटरसाइकिल कंपनी जो है अभी इस सेगमेंट में नहीं दे रही। तो यही सारी बातें करनी है इस वीडियो में। मैं हूँ प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो इंडियंस ड्राइव। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको जो है फ्रंट में आपको देखने में अलग मिलने वाला है। खासकर सामने की तरफ बात करें, ये पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है अलग दिया गया है। यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको एयर डक्स टाइप दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बाई प्रोजेक्टर LED लैम्प दिए गए हैं, जो कि आपने जो है जो कि FZ25 में भी देखे थे वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा चेंजेस क्या करा गया है, ये जो है अपसाइड डाउन फोक्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि ये साथ ही में गोल्डन कलर के कैलिबर के कलर के साथ है, क्योंकि ये M वेरिएंट है। जी हाँ, अब वो M वेरिएंट के साथ भी यामा ने इसे उतारा है, और एक मॉन्स्टर एडिशन भी है, हालांकि वो अभी देखने को नहीं मिला, लेकिन वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर फेयरिंग जो है साथ में वो आपको पूरी की पूरी चेंज देखने को मिलेगी, और ये जो फेयरिंग है वो पहले की बजाय ज़्यादा एरोडायनेमिक है, यानी कि जो इनका ड्रैग है वो पहले से कम हुआ है, तो आपको जो है ये हाई स्पीड पर और भी मदद करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है। और मुझे जो सबसे स्पेशल अच्छा लगा इसके जो LED DRL जो कि काफ़ी अग्रेसिव आपको देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ, पीछे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो क्लिपॉन्स हैं वो यहाँ पर जो है एकदम नए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये क्लिपॉन्स कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन इनमें कलर पैटर्न वगैरह कुछ अलग देखने को दिया गया है। और साथ ही में ना यहाँ पर जो ये TFT स्क्रीन दी गई है ये भी चेंज है देखने के मामले में, लेकिन यहाँ पर ना कुछ फीचर्स वगैरह ऐड करे गए हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल ऐड करा गया है इसके अंदर, जो कि इसी के साथ ही कंट्रोल हो सकता है, और इसमें लैप टाइमर जैसी चीज़ें भी ऐड करेगी, और बाकी जो वार्निंग लाइट्स हैं वो आपके इसके आजू बाजू में देखने को मिल जाएगी। ये पहले की बजाय थोड़ी सी जो है चौड़ी है, यानी कि ये जो है थोड़ी सी बड़ी दिखती है उससे, लेकिन ना आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें सब मिल ही रही है, चाहे इसमें नॉर्मल आपकी गियर पोजीशन इंडिकेटर हो, चाहे आपके टैकोमीटर हो, चाहे स्पीडोमीटर हो, चाहे आपका यहाँ पर जो है ट्रिप, सब रही चीज़ें जो हैं देखने को मिल जाएगी। और साथ ही में ना कुछ कनेक्टेड टेक्नोलॉजी भी आ रही है जो कि ब्लूटूथ के साथ इसमें वर्क होते नज़र आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर कोई भी टर्मिनल नेविगेशन टाइप नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके व्हीकल का डाटा, जियो फेंसिंग के थोड़े से फीचर्स टाइप, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये यहाँ पर चीज़ें आपको इस TFT के थ्रू यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर ना थोड़ा सा पीछे आओगे तो यहाँ पे 3D जो है R15 की बैजिंग देखने को मिलेगी, जो कि M वेरिएंट के साथ है, और कलर भी इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्रे और ब्लैक के साथ है। और यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो ये जो पूरी की पूरी बाइक है पीछे से तो पूरी सेम है, लेकिन हाँ सीट चेंज करी गई है थोड़ी सी, और यामा का कहना है कि सब फ्रेम में भी चेंजेस करे गए हैं। तो यहाँ पर वो जो चेंजेस हैं वो एक्चुअली विजिबल तो नहीं लगते, लेकिन हाँ आपको यहाँ से आपको बेटर पता चलेगा कि ये जो इतने हिस्से में पूरी बाइक है ये चेंज देखने को मिलने वाली है। खासकर फेयरिंग चेंज है जो कि पहले से अग्रेसिव हुई है, और पीछे की तरफ भी आएंगे जो कि स्विंग आर्म का कलर भी है, ये भी जो है कलर बॉडी के साथ मैच करते हुए नज़र आ रहा है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, और ये वाकई में कलर बहुत अच्छा है। और साथ ही में ना इसमें एक और चीज़ दी गई है, इसमें जी ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है, जी हाँ, और साथ ही में इस सेगमेंट में कोई भी बाइक ये चीज़ ऑफर नहीं कर रही, जो कि है क्विक शिफ्टर। जी हाँ, इसमें क्विक शिफ्टर भी अब आ रहा है, और जो कि इसे मोस्ट वैल्यू फॉर बाइक भी बनाती है। हालांकि जो M वेरिएंट है ये वाला, इसका प्राइसिंग ज़्यादा है, लेकिन ये स्टार्ट हो जाती है 1,67,000 से, जो कि M वेरिएंट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। लेकिन हाँ, ऑल द वे जो बाइक है ये सेम है, और पावर फिगर्स भी सेम है, वही जो 18.4 PS की पावर निकालता है, और लगभग 14.2 Nm का टॉर्क निकालता है, वही 155 cc इंजन के साथ, जो कि VVA टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। तो ये बाइक में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इस नई जो है R15। तो आपको कैसी लगी बाइक बताना जो कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर अच्छी लगी हो बाइक तो भी बताना, और हमारी वीडियो भी अच्छी लगी हो तो भी मेंशन करना कमेंट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजन ड्राइव।